नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और जैसा कि मैंने कहा था आपको डेली डोज ऑफ ज्योग्राफी मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर टू। प्रैक्टिस सेट वन हमने किया था जिसके अंदर हमने कुछ MCQs किए थे और आज हम और MCQs करेंगे। इस MCQs के थ्रू आप अपने बेसिकली डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और मैं आपको विजुअलाइजेशन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अन अकेडमी और KVEDU पर। मेरा मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अपने वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए और विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बेसिकली मैंने कर रखा है कुछ चीज़ें। जैसे रिडल्स मैंने कर रखी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों को डेली टास्क देता हूँ जिसका नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। वहाँ पे आपको बेसिकली रिडल्स का सोल्यूशन देना पड़ता है और जब आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, अगर आप सही देंगे या गलत भी देंगे, तो उसको मैं इस वीडियो के अंदर फीचर करता हूँ। वीडियो के एंड में आपको मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, बीच में कोई नहीं भागेगा। ऑलराइट, सो आज सुबह मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शुभेंदु नेट ज्योग्राफी पर हमने ये रिडल पोस्ट की थी। इस रिडल को देख के आपको बताना था इसका आंसर क्या है। बेसिकली पिक्चर है, इंडिया का फिजिकल मैप है और यहाँ पे मैंने लिख रखा था कि द स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया वो किस तरफ है। तो पहली बात, अगर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप के अंदर इंडिया के कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है, उसके बाद ये प्लेटू एरिया है, डेकन प्लेटू का, ये कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, जो हमारा मैदानी इलाका है, ठीक है, वो बेसिकली दो भागों में है, सेंट्रल हाईलैंड्स और सदर्न हाईलैंड्स। तो सदर्न वाला जो है वो हमारा डेकन प्लेटू आ जाता है, लेकिन ये जो आप सेंट्रल वाला देख रहे हैं ये भी प्लेटू के अंदर आता है, ये भी एक हाईलैंड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि ये हाईलैंड का स्लोप किस तरफ है, आपको ये बताना था। तो इसका आंसर जो है वो होगा बेसिकली नन ऑफ दिस, ठीक है, डी इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो स्लोप है दोस्तों वो बेसिकली है साउथ वेस्ट। आप देखोगे ये जो है, अगर हम इसको में करें, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो ये बनता है हमारा साउथ वेस्ट और ये बनता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो स्लोप है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से इसका स्लोप है, ये इस तरह से स्लोप है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। और ये विविड कैसे होता है, यानी कि हमें दिखता कैसे है कि स्लोप इस तरह क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे, ये आप देखो, ये जितने भी रिवर्स हैं, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो बेतवा हो, चाहे वो सोन हो, यहाँ पे केन भी है, इन सब का जो ड्रेनेज है वो गंगा में जाके मिल रहा है। देखो आप, गंगा की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका स्लोप इस तरफ है, इस तरह से यहाँ से साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, इसी वजह से ये यहाँ पर गंगा में जाके मिलती है। इसका जो एलिवेशन है, जो स्लोप है, वो इस तरह से है, इसी वजह से इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट नहीं हो सकता, यूं इसका स्लोप नहीं है, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट भी नहीं, उल्टा भी नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट तो हो ही नहीं सकता, इसका स्लोप इस तरह से बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स जो है वो चंबल है, चाहे वो बेतवा है, चाहे सोन है, वो सब गंगा में जाके मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी बनती है, ठीक है, ये बार आपको ध्यान रखती है। देखते हैं कि किन लोगों ने आज सही जवाब दिया है। आज सही जवाब देने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे ज्योति ने सही दिया है, रोसी ने दिया है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट सही है, निवा ने सही दिया है, दिलजीत ने सही दिया है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद मनीषा ने सही दिया है, शबनम ने भी सही दिया है, मोहम्मद हुसैन ने सही दिया है, सोटी शर्मा ने, सब ने सही दिया है, आलिया ने भी सही दिया है, मोइन खान ने भी सही दिया है, मोइन खान ने गलत दिया है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट दिया है, इन्होंने उल्टा बताया है, जैसे कि उल्टा नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया उल्टा नहीं है, इसका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। और इसको हमें देखने को मिलता है, चंबल है, चाहे सोन है, चाहे केन है, बेतवा है, वो सब गंगा में जाके मिलती है। उसके बाद शुभजीत ने सही दिया है, तन्मय ने सही दिया है, चंद्र प्रकाश ने सही दिया है, रानी ने सही दिया है, तानिया ने सही दिया है, मिनी रस्तोगी ने सही दिया है, इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, याशिका ने कहा मुझे नहीं पता, और पमी शर्मा ने दिया है डी, विभश्री महंता ने दिया है डी, तृप्ति बंसल ने सही दिया है, मेगा जैन ने सही दिया है, अलका ने सही दिया है, श्रुति वर्मा ने सही दिया है, बर्नाली बारो ने सही दिया है और चांदनी सोने ने सही दिया है। तो याशिका जी, अगर आपको नहीं आया तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि आज रिस्पॉन्सेज काफ़ी कम आए हैं। तो मैंने ये कहा आपको कि अगर आपको नहीं आता है, चाहे आता है, आपको अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए था। अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आप इसको याद कैसे करेंगे, जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो आपका दिमाग उसको रजिस्टर कैसे करेगा कि ये चीज़ मैं गलत कर चुका था। दिमाग के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है, तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। आज कम लोगों ने दिए हैं तो आपको रेगुलरली रिडल्स के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन से आप सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने देख लिया इस तरह से पिक्चर। अब आपको जब भी सेंट्रल हाईलैंड याद आएगा तो आपको ये मैप शायद ध्यान आ जाएगा और आपको शायद ये भी दिखेगा कि देखो इस तरह से रिवर्स जो है जाके मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं एलिवेशन दूसरे की बात करूं, जैसे जो डेकन प्लेटू का है वो इस तरफ नहीं है, ये जो हमारा डेकन प्लेटू है ट्राइंगुलर शेप के अंदर, उसका जो एलिवेशन है वो इस तरफ नहीं है, फिर वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट नहीं है, अभी बिल्कुल अपोजिट है, ये इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। आप देखोगे ये इसका इस एलिवेशन इस तरफ है डेकन प्लेटू का। विविड कैसे होता है, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे तुंगभद्रा हो, चाहे नीचे जितने भी रिवर्स है, पेरियार जो है, वो सब इस तरह से बे ऑफ बंगाल के अंदर इसका ड्रेनेज होता है। मतलब इनका जो एलिवेशन है और जो स्लोप है वो इस तरफ से है, किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का,
नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट और सेंट्रल हाईलैंड का है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर आप हमारे यूजीसी नेट के पेड कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ये सारे जो हैं इसके हाइलाइट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको 3 to 4 months की, इसमें आपकी कवरेज मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट कंप्लीट सीरीज होगी, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और रिविजन क्लासेस भी होंगी। इसके अलावा हर तरह का आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिलता है यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर अभी यूजीसी नेट ज्योग्राफी है, उसके बाद और सब्जेक्ट्स भी आने लगेंगे जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आने लगेंगे। तो उसके अंदर आप अगर एनरोल होना चाहते हैं, मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, आप कॉल के बजाय जो मैं बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर एनरोल करना है तो आप गूगल फॉर्म आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा, इसको आपको फिलअप करना है और सबमिट करना है। लास्ट में मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको टिक करेंगे और आप सबमिट करेंगे। मेरे पास इसका सारा जो डेटा आ जाएगा, मेरे को पता पड़ेगा कि कितने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और इसका फॉर्मेट जो है वो वही रहेगा। क्वेश्चन आता है, 20 सेकंड का टाइमर चलता है, टाइमर के अंदर आपको जवाब देना होता है और टाइमर के बाद मैं बताता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आपको देखे हुए जरूर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हाँ ये तो मैंने किया हुआ है इसको आपने कर दिया, नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे, 20 सेकंड का टाइम पर्याप्त होता है, आप आराम से कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, ITCZ आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ, बताइए ITCZ क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ITCZ जो है वो किनके कन्वर्जेंस पे बनता है, बताइए। ABCD चार ऑप्शन है, इजी है क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन इजी दिया है मैंने। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है सी, नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड्स, ठीक है। इसको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, कई बार इसको ईस्टर्नलीज भी कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली ये एयर ट्रेड्स कहा जाता है इनको, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था अनअकैडमी पर, यहाँ भी पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से प्रेशर बेल्ट्स होती हैं और प्रेशर बेल्ट्स बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट जो होता है एयर का हाई टू लो की तरह होता है। यहाँ पर भी हाई है, यहाँ पर भी हाई है। इस प्रेशर बेल्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर भी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई से लो की तरफ आने वाली जो विंड्स होती हैं वो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग हैं। अगर वो सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है इक्वेटोरियल लो पर, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स, ठीक है। और यहाँ से अगर आ रही है तो उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड्स। तो ये दोनों ट्रेड विंड्स हैं, जब ये कन्वर्ज करती हैं तो यहाँ पर बनता है एक कन्वर्जन जोन, जिसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। ये एक लो प्रेशर एरिया है जिसको हम डॉल्डम्स भी कहते हैं और ये शिफ्ट भी होता रहता है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पोजीशन शिफ्ट होती है। जैसे ही दिसंबर एंड जनवरी में ITCZ जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे से जा रहा है, इससे नीचे चला जाता है। देखो ITCZ जो है वो कमी इस तरह से है, ये हमारा है मेडागास्कर मोजाम्बिक और इस तरह से ये यहाँ पर मौजूद होता है। पर जैसे ही जून और जुलाई का महीना आता है तो ये ITCZ जो है वो आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वहाँ पर और ये इंडिया के ऊपर जो नॉर्दर्न प्लेस है वहाँ पर ये आके शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बनता है इंटेंस लो प्रेशर। और इंटेंस लो प्रेशर होने की वजह से जो भी साउथ ईस्ट स्ट्रेट्स इक्वेटर का क्रॉस करके यहाँ पर आती है तो इन पे क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स से ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती है, ये देखो आने के बाद राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हुई और सीधा खींची चली आती है इंडियन लैंडमार्क पर, क्योंकि यहाँ पर है एक लो प्रेशर बेल्ट, ITCZ एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से जब ये इंडियन लैंडमार्क पे आती है तो यहाँ पर ये सारा मॉइस्चर पिकअप कर लेती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जिससे पूरे इंडियन लैंडमार्क में होता है मॉनसून जो आ चुका है इंडिया के अंदर। तो इस तरह से शिफ्टिंग भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ITCZ जो है वो दिसंबर में कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है केवल और केवल अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर के महीने में सन की जो पोजिशन होती है वो इक्वेटर के नीचे चली जाती है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पर हमारा इक्वेटर गई, इक्वेटर के नीचे सन चला जाता है तो ये ITCZ भी नीचे चली जाती है। और जब जुलाई और जून का महीना आता है तो सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर चला जाता है। हमने देखा था एक दिन ऐसा आता है जिसमें सबसे बड़ा दिन होता है जिसको हम कहते हैं सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस। तो ये जो ITCZ है ये भी ऊपर मूव कर जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमने देख लिया ITCZ के बारे में और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए द क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन हैविंग द एवरेज टेंपरेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ अबव 0°C, बताइए क्या होगा, इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक है क्लासिफिकेशन कोपेन का, ABCD कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखे हुए हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं है, बताइए क्या होगा। ऑल राइट, समय होता है समाप्त और इसका आंसर है ए, ई टी होगा इस बार, ई एफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोपेन के मुताबिक ABCDE 5 है हमारे पे क्लाइमेट, ठीक है। और पांचवे पे जो ई वाला जो है, ABCDE पे जो ई वाला है वो है हमारा पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट मतलब वो इलाके जहां पर
ठंड का इलाका रहता है, और उसमें भी फिर हमने देखा था दो सब डिविजन है, एक है ई टी और एक है ई एफ। ई एफ मतलब फ्रोजन, परमानेंटली फ्रोजन, यानी कि पूरे साल जो है टेम्परेचर हमारा आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ 0 डिग्री के नीचे रहता है। लेकिन ई टी में हमने देखा था, ई टी में बेसिकली क्या होता है, पूरे साल टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, यानी कि एक कुछ महीने ऐसे आते हैं वार्मेस्ट मंथ के, जून जुलाई और अगस्त वाले, हम जानते हैं जून जुलाई अगस्त के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी का मौसम होता है। तो इस वक्त यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, कुछ इलाकों में ईटी वाले इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जून जुलाई अगस्त, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर है, लेकिन इसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च या सितंबर अक्टूबर दिसंबर यहाँ पे जो है टेम्परेचर 0 से नीचे है। तो इस तरह का पोलर क्लाइमेट जहाँ पर साल में 3-4 महीने में टेम्परेचर 0 से ऊपर जा रहा है उसको हम कहते हैं ईटी। और इस तरह का क्लाइमेट पोलर वाला जहाँ पर साल में टेम्परेचर पूरे साल हर महीने 12 महीने पर 0 से नीचे रहता है उसको हम कहते हैं ई एफ। तो इस बार क्वेश्चन था आपको बताना था कि टेम्परेचर जो है वो अबव 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो ई टी होगा, ये बारह को ध्यान रखते हैं, जिसको हम तुंद्रा भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली अरेंज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, बताइए स्मॉलर टू ग्रेटर है, ध्यान से पढ़ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैसे वेरी करते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर। यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं, सीरीज में आपको बताना है कौन सा होगा, बताइए क्या होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ए बी सी डी ई, कोई भी हो सकता है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और अगर आपको बताओ सबसे ग्रेटर साइज ऑफ पार्टिकल्स किसमें देखा गया है तो वो है डेब्री फ्लो। ठीक है, डेब्री फ्लो होता है, तो अगर हम स्मॉलर टू ग्रेटर चल रहे हैं तो एंड में, यानी कि सबसे एंड में कौन सा आएगा, वो डेब्री फ्लो आएगा। तो यहाँ पर डेब्री फ्लो इकलौता दिखता है मुझे, तो इसलिए ये आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा है मड फ्लो, उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा होता है, फिर आता है अर्थ फ्लो, उसमें पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और फिर आता है डेब्री फ्लो जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। तो बी इसका सही आंसर है, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, डेब्री फ्लो, स्मॉलर टू ग्रेटर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म, बताइए पॉसिबिलिज्म का थॉट किसने डेवलप किया है, बताइए क्या होगा। ए बी सी डी कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और इसका सही आंसर है डी, फ्रेंच स्कूल ने किया था, क्योंकि उससे पहले जितने भी ज्योग्राफर थे जर्मन या ग्रीक, उन लोगों ने डिटर्मिनिज्म की बात की थी। डिटर्मिनिज्म बेसिकली क्या है कि इंसान की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो जो करता है अपने सराउंडिंग्स में, वो सब और सब जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर जैसा चाहेगी इंसान वैसा रहेगा। अगर गर्म इलाके में रहने वाला इंसान है तो उसकी क्लोथिंग वैसी होगी, उसकी फूड हैबिट्स वैसी होगी, उसके वर्क स्टाइल वैसी वैसी होगी। ठीक है, लेकिन अगर ठंडे इलाके में कोई रह रहा है तो उसकी फिर फूड स्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल या उसका रहन सहन जो है वो उस तरह का होगा, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। लेकिन पॉसिबिलिज्म ये कहता है ऐसा नहीं है, इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए अर्थ के टेम्परेचर को या अर्थ के पूरे ओवरऑल सराउंडिंग को मॉड्यूलेट कर सकता है, और इसी को हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। यानी कि एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर ने जैसा कहा वैसा होगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने टेक्निक्स का, स्किल का इस्तेमाल करते हुए पॉसिबिलिटीज बना सकता है, नहीं ठीक है, सराउंडिंग्स के विपरीत पॉसिबिलिटीज बना सकता है। तो उसका सही आंसर है डी, फ्रेंच स्कूल, जिसके अंदर बड़ा नाम आता है फैब्रिक और विडिल दे ब्लेच का, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया है, मैच द फॉलोइंग का, बताइए क्या होगा। इस तरफ दे रखी लिस्ट, इस तरफ दे रखे हैं इसके कुछ मेजर करने वाले कुछ आइटम्स, आपको बताना है क्या इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है। ए बी सी डी कोड दे रखे हैं, सॉरी 1, 2, 3, 4 है कोड्स, आपको बताना है कौन सा कोड क्या होगा, बताइए कमेंट कीजिए फटाफट। मैच द फॉलोइंग करने के लिए ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, समय समाप्त हो चुका है। मैच द फॉलोइंग करने के लिए ट्रिक ये होती है कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, 2-3 चीजें पकड़ लीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से देखते हैं पहले क्या है, पहले मैच कर लेते हैं। जैसे मुझे पता है पीडोमीटर जो होता है वो यूज होता है डिस्टेंस करने के लिए, तो पहले मैं देखूंगा B4 कहाँ पर है, B4 यहाँ पर है, 3 और 4 हो गया हमारा एलिमिनेट, तो यहाँ पे मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो रेडिएंट एनर्जी के लिए होता है, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडिएशन। ठीक है, इस तरह से मुझे पता लग गया आइडिया से, तो स्पेक्ट्रोमीटर हो गया C2, तो यानी कि B4C2 कहाँ है, B4C2 ये देखो सेकंड नंबर पे मुझे मिल गया, मुझे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं हुई और सेकंड इसका सही आंसर है। फिर भी हम देखते हैं स्लिंग साइक्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है, आप देखेंगे A3 हो गया। और उसके बाद जो है हमने देखा पिकनोमीटर जो है वो किसी चीज़ की डेंसिटी के लिए होता है, कोई भी चीज़ हो उसकी अगर हम डेंसिटी मेजर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर हुआ A3 B4 C2 B1। ठीक है, स्लिंग साइक्रोमीटर जो है वो करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीडोमीटर डिस्टेंस,
स्पेक्ट्रोमीटर रेडिएंट एनर्जी एंड पिक्नोमीटर सॉइल डेंसिटी। यहाँ पे आप पिक्चर्स देखेंगे, ये पीडोमीटर है, डिस्टेंस मेजर करता है, स्मार्ट वॉच के अंदर आजकल आता है, मोबाइल के अंदर भी आता है, ठीक है। ये है स्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक है, ये करता है बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर। इसको अपन को इस तरह से घुमाना पड़ता है, तो करता है ये स्पेक्ट्रोमीटर है और ये पिक्नोमीटर है, आप देख सकते हैं। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से बताना आपको विच अमंग द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच, मैच द फॉलोइंग नहीं है, आपको बताना है कौन सा मैच गलत है, ठीक है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। ऑथर दे रखे हैं यहाँ पे, बुक्स दे रखी हैं, आपको बताना है कौन से ऑथर की किताब नहीं है, बताइए। ज्योग्राफिकल थॉट से, बुक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, बुक्स से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, देखते हैं कौन सा गलत है, पहले देखते हैं कौन कौन से सही है। पहला था मोहम्मद काजिम, बिल्कुल सही है, रूट्स ऑफ रेल्म्स, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्म्स नाम से है। उसके बाद है अल बलाखी, किताब अल सैयदना, यही गलत है, क्योंकि ये जो लिखा है ये लिखा है अल मसूदी ने, किताब अल सैयदना जो है वो अल बरूनी ने लिखा है बेसिकली ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया, अल बलाखी नहीं है। उसके बाद अल मसूदी ने किताब अल असद लिखा है, उसके बाद इब्न खलदून ने लिखा है मुकदमा, और अल बरूनी ने लिखा है कानून अल मसूदी, तो ये सारे सही हैं, ये गलत है, किताब अल सैयदना जो है ये गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग परस्पेक्टिव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, बताइए। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, इनमें से क्या है, बताइए क्या होगा। एबीसीडी कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होगा बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है डी, क्वांटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन बेसिकली क्या है दोस्तों, जब हमने ज्योग्राफी के अंदर मॉडल मेकिंग या थ्योरी मेकिंग को एम्फेसिस नहीं देखे, हमने सारी चीज़ों को मैथमेटिकली ड्रिवन करना जब शुरू कर दिया, हमने डेटास का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली क्वांटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। जब मैथ्स इसके अंदर आ गई तो वो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यही था इसका। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट वन इन द लिटोरल जोन्स फ्रॉम सी टू लैंड, आपको बताना है, बताइए क्या होगा। सी टू लैंड, लिटोरल जोन्स के अलग अलग जोन्स होते हैं, जिसको अलग अलग डिवीजन होता है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं। सी टू लैंड बताना है आपको क्या होगा, बताइए। लिटोरल जोन्स बेसिकली कोस्टल एरिया को कहा जाता है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है सी, सी टू लैंड हम देख रहे हैं, लैंड टू सी नहीं देख रहे हैं। तो पहले आता है ऑफ शोर, फिर आता है नियर शोर, देन आता है फोर शोर, और उसके बाद आता है बैक शोर। यहाँ पे आप देखेंगे ये डायग्राम है, ये हमारा लैंड एरिया है और ये सी एरिया है। इस बार हमें चलना है सी टू लैंड की तरफ, इस तरह चलना है। तो पहला ऑफ शोर है, उसके बाद नियर शोर है, उसके बाद फोर शोर है, और उसके बाद बैक शोर है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लैंड टू सी जाएंगे तो होगा बैक शोर, पहले बैक शोर आता है, फिर आता है फोर शोर, बैक शोर, फोर शोर, ठीक है। पहले बैक मतलब पीछे वाला, फोर शोर मतलब आगे वाला, उसके बाद नियर शोर और दर ऑफ शोर। अगर आप सी टू लैंड जा रहे हैं तो पहले फोर शोर आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा नियर शोर, और सॉरी ऑफ शोर आएगा, उसके बाद आएगा नियर शोर, फिर आएगा फोर शोर, उसके बाद आएगा बैक शोर। तो ये इसका करेक्ट है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द ला नीना फिनोमिना अकर्स इन विच अमंग द फॉलोइंग ओशन, आपको बताना है कौन से ओशन के अंदर ला नीना होता है। एबीसीडी चार ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। ला नीना, बताइए क्या होगा, इजी है, सब दे पाएंगे इसका आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ला नीना जो है वो भी इल नीनो की तरह पैसिफिक ओशन से एसोसिएटेड है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट के अंदर, इल नीनो और ला नीना क्या है। तो इल नीनो बेसिकली क्या है, आप देखेंगे ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन का वो वाला पार्ट है, ये आप देखोगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहां पर बेसिकली क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये ग्रीन वाला, तो इस तरफ वाला जो है खासकर उसको बोलेंगे हम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जब गर्म हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पे गर्म पानी आ जाता है, यहाँ पे जिसका टेम्परेचर अगर गर्म रहता है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक बेसिकली हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बन जाएगा, और जो विंड सर्कुलेशन है, हमने देखा था विंड सर्कुलेशन कैसे मूव करता है, हाई से लो की तरफ करता है। तो जो हम इंडियन मानसून की बात करते हैं वो बेसिकली स्ट्रांग कब होगा, जब पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो प्रेशर जो होगा वो हाई होना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर लो प्रेशर होगा तो सारी विंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि जो है मतलब यहां पर अगर यहां पर लो प्रेशर होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, विंड आएगी, यहां से विंड जाएगी नहीं। इसी वजह से जब यहां पे एक आप देखोगे इल नीनो के तमे जब यहां पर गर्म पानी हो जाता है, तो प्रेशर जो है, विंड जो है वो इस तरह से पैसिफिक ओशन की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है, पैसिफिक ओशन की तरफ जब ब्लो करना शुरू कर देती है, तो फिर क्या होगा, यहां पर विंड्स उल्टी चलने लग जाएंगी,
ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है लानिना। लानिना मतलब क्या है कि जब पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ठंडा हो गया है, यानी कि वहां पर एक इंटेंस हाई प्रेशर बन रहा है। तो इंटेंस हाई प्रेशर जब बनेगा तो उससे क्या होगा, विंड की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, और पैसिफिक से जो विंड है फिर वो आती है इंडियन ओशन की तरफ, और इंडियन ओशन से फिर वो जाती है इंडियन लैंडमास की तरफ। तो लानिना वैसे देखा जाए तो इंडियन मानसून के लिए अच्छा होता है, लेकिन इल नीनो जो है वो इंडियन मानसून के लिए बुरा होता है, क्योंकि अगर पैसिफिक ओशन ही गर्म हो गया तो जो विंड्स की आने वाली जो चेन है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से विंड जो है मॉनसूनल विंड जो है वो वीक पड़ जाती है। ठीक है, ये बारे को ध्यान रखें। तो लानिना जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं होता, फ्रीक्वेंट जो है वो इल नीनो होता है। लानिना जो है वो फ्लडिंग एक्टिविटीज भी लेके आता है, क्योंकि इंटेंस हाई प्रेशर बन गया है तो विंड जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी और वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर पिकअप करती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग एक्टिविटीज भी देखने मिलती है। ये बारे को ध्यान रखती है। ऑल राइट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज टिपिकल टू द ग्लेशियल इरोजन। बताइए क्या होगा, इनमें से क्या प्रोसेस ग्लेशियल इरोजन में देखे जाने को मिलता है, बताइए। एबीसीडी कमेंट कीजिए क्या होगा, फटाफट बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज टिपिकल टू ग्लेशियल इरोजन। ऑल राइट, समय होता है समाप्त, इसका आंसर है ए, प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग बेसिकली क्या है, इस तरह से होता है जब ग्लेशियर जो है किसी रिज के ऊपर से जा रहा है, तो जैसे ही वो रिज के ऊपर से जाता है, ठीक है, तो एक दो फेज होंगे, पहले तो वो चढ़ेगा, इसकी अप स्टेज होगी और एक डाउन स्टेज होगी। ठीक है, तो जब रिज के ऊपर से ग्लेशियर मूव करता है और मूव करने के बाद जैसे वो नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर रिज में मौजूद जितने भी डेब्री हैं या पार्टिकल्स हैं, तो वो उसको डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से वो उससे चिपक जाती है ग्लेशियर से, जिसको हम प्लकिंग कहते हैं। एक तरीके से ग्लेशियर ने क्या किया, डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ आते वक्त उसने कुछ अर्थ पार्टिकल्स को अपने साथ ले लिया, और इसको हम प्लकिंग कहते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके वो मोरेंज के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो ये बारे को ध्यान रखनी है। रॉश माउंटेन कहा जाता है इस तरह की रिजेस को, जिसमें ग्लेशियर जो है चढ़ता है और उतरता है। ठीक है, जब वो उतरता है तो वो कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ ले लेता है, जिसको हम प्लकिंग कहते हैं। ऑल राइट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हैजार्ड, बताइए क्या होगा, इनमें से क्या हैजार्ड के लिए सही नहीं है, बताइए। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर है इज नॉट। पूछा था इनमें से क्या नहीं है हैजार्ड के बारे में जो बता रहा है, तो सी नहीं है, मास मूवमेंट आर नॉट हैजार्ड्स, ये गलत है, क्योंकि मास मूवमेंट भी हैजार्ड होते हैं। अगर मास मूवमेंट रैपिड वाले हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लो मास मूवमेंट, एक होता है फास्ट मास मूवमेंट। फास्ट के अंदर आते हैं हमारे स्लाइड्स एंड फॉल। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट होता है फॉल। ठीक है, तो जब अगर रॉक स्लाइड हो रही है या अर्थ फॉल हो रहा है, तो वो एक तरीके का जियोलॉजिकल हैजार्ड है, ये जियोमॉर्फिक हैजार्ड है, ये बारे को ध्यान रखनी है। इसी वजह से मास मूवमेंट के जो रैपिड मूवमेंट्स हैं वो हैजार्ड के अंदर आते हैं, तो ये गलत हो गया, इसलिए सी इसका सही आंसर है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लाइडिंग ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स अलॉन्ग अ कर्व्ड प्लेन इज नोन एज, बताइए। जब रॉक स्लाइड करती है जिस वो कर्व्ड प्लेन से जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। कर्व्ड प्लेन आपको ध्यान रखना है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, इसका सही आंसर है स्लंपिंग। ये डायग्राम आप देखेंगे, जब कभी भी अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी जब रॉक जो है वो डाउन द हिल मूवमेंट करती है, और अगर वो मूवमेंट इस सरफेस पे कर रही है जो इस तरह से कॉनकेव है, ठीक है, इस तरह से कॉनकेव है, तो उसको हम कहते हैं स्लंपिंग। इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है स्लंपिंग, जब जो है रॉक मूवमेंट जो है वो किसी कॉनकेव अर्थ प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब वो कॉनकेव अर्थ प्लेन से नीचे की तरफ आएगा तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो सर्कुलर वे के अंदर आता है, यानी कि सर्कुलरली मूव होते हुए जो है पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लंपिंग। ये बारे को ध्यान रखते हैं, तो कर्व प्लेन आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन लो लैटिट्यूड सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज, रीजन इसका दे रखा है, द डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स सैलिनिटी, बताइए क्या होगा। अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि लगाइए और सही कोड बताइए क्या होगा, बताइए। क्या होगा सही जवाब। ऑल राइट, समय होता है समाप्त, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो इन लो लैटिट्यूड्स
सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि सी वाटर कभी भी फ्रीज नहीं होता है, चाहे वो लो लैटिट्यूड हो चाहे वो हाई लैटिट्यूड हो। लेकिन ये कह रहा है कि डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर, तो ये गलत हो गया क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे आप ओशन सर्फेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ओशन का प्रेशर आपको फील होता है। इसी वजह से आप जब भी देखते हैं सबमरीन जो है वो नीचे की तरफ जाती है उनमें प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। अगर आपने गाजी मूवी देखी हो, ठीक है, गाजी अटैक मूवी देखी हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सबमरीन जब नीचे डाइव करती है तो उस पर किस तरह से पानी का प्रेशर लगता है और सबमरीन की जो बॉडी है वो अंदर डेंट हो जाती है पानी की वजह से। तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है क्योंकि आर जो है पहली बार इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और सही भी नहीं है क्योंकि डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर, ये तो गलत बात हो गई क्योंकि वो इंटेंस प्रेशर के अंदर आता है और बिकॉज ऑफ हायर सैलिनिटी। सैलिनिटी और डेंसिटी का एक रिलेशन है, अगर सी वाटर के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा है यानी कि सॉल्ट पार्टिकल्स जो है डिजॉल्व सॉल्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो उस पानी की, उस वाटर बॉडी की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे डेड सी है इसका एग्जांपल, डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें आप डूब ही नहीं सकते क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो स्पेस है वो सारी सॉल्ट ने फिलअप कर रखी है, तो अगर उसमें आप कूदेंगे भी तो आप उसके अंदर डूब नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी इसका सही आंसर है, इज ट्रू आर इज फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पेटर नोस्टर लेक जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? टाइमर मैंने चला दिया, बताइए ABCD। पेटर नोस्टर लेक्स, कई बार क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, गलत मत कीजिएगा इसको। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका, ABCD कॉमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है ए, लेक्स फॉर्म्ड एट द ग्लेशियल स्टेयरवेज। अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखोगे ये ग्लेशियल एरियाज है, ठीक है, और ग्लेशियल एरियाज से जब ग्लेशियर जो है वो पिघलता है तो पानी निकलता है, हम जानते हैं पानी का स्रोत होता है, जब ये पानी नीचे की तरफ जाता है तो वो कुछ इस तरह के डिप्रेशन में अपना पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, फिर ये जब डिप्रेशन बढ़ता है तो यही पानी जो है ओवरफ्लो होकर दूसरी लेक के अंदर जाता है, फिर ये लेक में ओवरफ्लो होकर दूसरी लेक पर जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से जो लेक्स ग्लेशियल स्टेयरवेज में हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं पेटर नोस्टर लेक्स, और ये लेक जो है जब कभी कभी ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है, अगर ये लेक का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और जहाँ पर अगर पानी भर गया है, ठीक है, पानी भरने की वजह से ये एक नेचुरल डैम बन जाएगा, और बहुत बार ऐसा होता है कभी एवलांच एक्टिविटी हो रही है, कभी लैंडस्लाइड एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो है इसका जो कहेंगे कि ड्रेनेज जो पाइप है, एक तरीके से आप ड्रेनेज पाइप मान लीजिए लेक है, अगर मान लीजिए लेक यहाँ से खुल गया, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ यहाँ से इस तरह से, अगर सॉरी ये तो पूरा ही चला गया, जस्ट होल्ड ऑन, इस तरह से मैंने लेक बनाई और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ से मान लीजिए अगर इसका खुल गया तो यहाँ से सारा पानी जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम कहते हैं GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। तो वो इसी लेक से बनते हैं, पेटर नोस्टर लेक जो है जब उसके अंदर पानी भर जाता है तो वो एक नेचुरल डैम का काम करती है, ठीक है, और जब कभी यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड एक्टिविटी हो रही है या एवलांच एक्टिविटी हो रही है तो उसके कंपन से यहाँ से क्या होगा, पानी का रिसाव तेज हो जाता है और इसकी वजह से सारा पानी जो है वो एक तरह से बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। अगर आपको ध्यान हो केदारनाथ के अंदर जो बाढ़ आई थी वो ग्लोव की वजह से ही आई थी, हिमालयन रीजन के अंदर कुछ लेक्स थी जिनके अंदर पानी भरा हुआ था और वो पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर एकदम से नीचे की तरफ आया जिसकी वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हमें देखने को मिला था। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से क्या गलत है आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, गलत वाले को आपको टिक मार्क करना है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए कौन सा गलत है इसके अंदर। कमेंट कीजिए फटाफट ABCD क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। देखो, हैंगिंग डिपॉजिट्स इनसाइड द लाइमस्टोन केव, हैंगिंग डिपॉजिट इनसाइड द लाइमस्टोन केव इज नोन एज स्टैलेक्टाइट्स। जो हैंगिंग डिपॉजिट्स होते हैं जो सीलिंग से आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से आने वाले स्टैलेक्टाइट्स ही होते हैं, जो जमीन से उठने वाले हैं उसको हम स्टैलेगमाइट्स कहते हैं। आउटवर्स प्लेन जो है हमें ग्लेशियल डिपॉजिशन में देखने को मिलता है, सिंक होल्स हम जानते हैं वो कास्ट रीजन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन सीप जो है वो एओलियन लैंडफॉर्म का फीचर है, वो भी एओलियन का डिपोजिशनल फीचर है, वो जब बनता है जब वो पैरेलल होते हैं विंड से। ये इसका हमने एक रिडल भी दिया था आपको, जिसमें हमने एक बेसिकली पिक्चर लगाई थी और आपको चार ऑप्शन दिए थे, उस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह का सैंड्यून है। तो जब सैंड्यून जो है इस तरह से बन रहे हैं कि वो विंड से पैरेलल आ रहे हैं, यानी कि सैंड्यून इस तरह से बन रहा है कि वो विंड के डायरेक्शन में पैरेलल है, तो उस तरह के सैंड्यून को हम सीप कहते हैं। परपेंडिकुलर नहीं होगा, लाइंग पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन अगर ये होता तो ये सही हो जाता, इसीलिए ये गलत है। सीप आर द डिपोजिशनल फीचर्स लाइंग
परपेंडिकुलर नहीं, लाइंग पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, ये इसका सही होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आइस क्रिस्टल थ्योरी जो है वो किसने दी है बताना है आपको, इनमें से किसने दी है बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या होगा। आइस क्रिस्टल थ्योरी किसने दी है? ए बी सी डी कमेंट कीजिए फटाफट, 20 सेकंड बहुत होते हैं, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, इसका सही आंसर है टॉर बर्जियन, बर्जिरॉन। तो बर्जिरॉन ने बेसिकली आइस क्रिस्टल थ्योरी दी है, देख लेते हैं इसमें क्या है। बर्जिरॉन कह रहे हैं कि जो भी वाटर पार्टिकल्स वेपर बनके ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही हैं उनका जो है वाटर पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, क्योंकि वो वाटर पार्टिकल्स ऊपर जाके सब पोलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, इसी वजह से वो सारे वाटर पार्टिकल्स आइस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है, ठीक है, एलिवेशन बढ़ने की वजह से ये वाटर पार्टिकल्स जो है इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है और जो आइस क्रिस्टल है उनका साइज बढ़ जाता है, ये बोल रहे हैं। एज द वाटर ड्रॉपलेट्स असेंड, असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना इन द क्लाउड, द आइस क्रिस्टल ग्रोस, आइस क्रिस्टल का साइज बढ़ता है एट द एक्सपेंस ऑफ द सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स। ये है आइस क्रिस्टल थ्योरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मास वेस्टिंग, बताना है कौन सा फैक्टर नहीं है आपको बताना है। मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मास वेस्टिंग, बताइए। ए बी सी डी क्या होगा बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, उसका आंसर है डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि दोस्तों मास वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, मास वेस्टिंग है बड़े रॉक पार्टिकल्स का छोटे रॉक्स पार्टिकल के अंदर तब्दील होने के बाद, उसको तो हम कहते हैं वेदरिंग। बड़े रॉक्स पार्टिकल छोटे रॉक्स पार्टिकल के अंदर जब तब्दील हो जाते हैं उसको हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। जब इस वेदरिंग पार्टिकल्स का, वेदर पार्टिकल्स का मूवमेंट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है तो उसको मास वेस्टिंग कहा जाता है, लेकिन अगर इनका मूवमेंट अंडर द इंपैक्ट ऑफ इरोजिव एजेंट्स हो रहा है, रनिंग वाटर विंड वगैरह आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। तो मास वेस्टिंग देखो वेदरिंग इन क्लाइमेट हो सकता है, वाटर कंटेंट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज रेंज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन सैलिनिटी, बताइए क्या होगा। ऑफ द सी वाटर, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर का क्या एवरेज रेंज है बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बताइए। राइट, समय होता है समाप्त, उसका सही आंसर है ए 34% टू 37%। इसको पार्ट्स पर 1000 कहा जाता है बेसिकली, ये इसकी एवरेज सैलिनिटी है। नॉर्मली 35 होती है लेकिन वेरी करती है 34 से 37, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके कोट्स दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे कुछ आइसोलाइंस दे रखी है, यहाँ पे उनके कुछ दे रखे हैं फीचर्स, बताइए 20 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या होगा सही आंसर। कई बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, हम गलत नहीं करेंगे इस बार। ए बी सी डी नहीं, इस बार 1 2 3 4 है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और पहले देखते हैं कौन सा क्या होगा। आइसोहेल जो है वो बेसिकली होगा सनशाइन पर, वो इलाके जहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन पड़ती है वो आइसोहेल है। आइसोहेलाइन मतलब वो इलाके जहां पर ओशन के वो इलाके जहां पर सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी देखने को मिलती है, तो वो होगा सैलिनिटी से। उसके बाद है आइसोनेफ जो है क्लाउडलीनेस से, यानी कि वो इलाके जहां पर एवरेज परसेंटेज ऑफ क्लाउड जो है वो सेम है, क्लाउडलीनेस जिसको हम कहते हैं वो सेम है, तो वो आइसोनेफ से मापी जाती है। और आइसोटाक जो होगा वो विंड स्पीड पे होगा, यानी कि वो इलाके जहां पर सेम अमाउंट ऑफ सेम वेलोसिटी ऑफ विंड स्पीड देखने को मिलती है, तो ये होगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया, ए होगा हमारा 2, यानी कि ए टू होगा, ए टू, उसके बाद आइसोहेलाइन जो होगा 3, ए टू बी 3, ठीक है, ए टू बी 3 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 और 4 तो नहीं होगा। उसके बाद है आइसोनेफ, डी होगा 1, ए टू बी 3 डी 1 आप देखेंगे यहाँ पर है, ए टू बी 3 डी 1 और सी 4, सी देखेंगे आइसोटेक विंड स्पीड, तो 3 इसका सही आंसर होता है, 3 इज द राइट आंसर, ए टू बी 3 सी 4 डी 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताना है मैच द फॉलोइंग है, और यहाँ पर दे रखे हैं कुछ प्रोटोकॉल और यहाँ पर दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स, आपको बताना है कौन से प्रोटोकॉल के अंदर कौन सा हुआ था ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं, कोड दे रखा है 1 2 3 4, बताना है कौन सा क्या है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए फटाफट से, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, पहले देखते हैं जो हमें क्लिशे जो हमें बताया, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस से है, यानी कि सी वन है, सी वन यहाँ पर है, यानी कि 1 एंड
फोर जो है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम टू एंड थ्री देखेंगे, उसके बाद हम जानते हैं माउंटेन प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से है, तो यानी कि जो हमारा डी है वो होगा टू, यानी कि C1D2, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे मैंने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, इससे मैंने पूरा मैच द फॉलोइंग कर लिया, टू इज द राइट आंसर होगा, C1D2। बाकी देख लेते हैं, कार्टेग्ना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी पर, यानी कि A3 होगा, ठीक है। उसके बाद नागोया जो है वो बायोसेफ्टी से निकलने वाले जो एक्सेस है, ठीक है, बायोसेफ्टी से निकलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसकी इक्वल शेयरिंग के बारे में कहता है नागोया प्रोटोकॉल जो 2010 के अंदर साइन हुआ था, यानी कि जो बी है वो 4 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे A3B4C1D2, ये इसका सही आंसर हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको दो भी बताएं तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपना टाइम बचा लेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द बुक इलियाड एंड ओडेसी, किसने लिखी है बताइए। इसका मैं टाइमर लगाना भूल गया हूँ, माफ कीजिएगा, शायद अब टाइमर शायद मे भी ना मिला आपको, पर कोई बात नहीं। इलियाड एंड ओडेसी किसने लिखी है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। इलियाड एंड ओडेसी किसने लिखी है बताइए। ऑल राइट, समय समाप्त हो गया, 20 सेकंड का टाइम, और इसका सही आंसर है बी, होमर की लिखी हुई किताब है इलियाड एंड ओडिसी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्योग्राफिकल थॉट्स के अंदर आपको बहुत बार दोस्तों बुक्स से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये बुक किसकी है या इसने कौन सी किताब लिखी है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। या तो ऑथर बोलेंगे, बुक्स आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, या आपको बुक का नाम लिखा होगा और आपको ऑथर आइडेंटिफाई करना होगा। तो इलियाड एंड ओडिसी जो है वो होमर ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द बुक द ओशियन, द ओशियन किसने लिखी है आपको बताना है बताइए। 20 सेकंड आपके पास है, 20 सेकंड के बाद मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा, द ओशियन किताब किसने लिखी है बताइए। हु रोट द बुक द ओशियन, ऑल राइट, सो इसका आंसर है ए, पोसिडोनियस ने लिखी है द ओशियन किताब, ये बारे को ध्यान रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चन को और हम अलग वे के अंदर भी करेंगे, मैच द फॉलोइंग से भी करेंगे, और हम ध्यान रखेंगे कि ऑथर्स के बुक के नाम हम कैसे याद कर सकें। इसका आंसर है ए, पोसिडोनियस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फादर ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी, आपको बताना है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी क्या है। 20 सेकंड का टाइम है, बताइए क्या होगा। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ऑल राइट, समय होता है समाप्त, और फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी इनमें से कोई भी नहीं है, डी इज द आंसर। ना ना देश, क्योंकि गाल लेटर भी नहीं है, टॉलमी भी नहीं है, हार्टसोन भी नहीं है, इसका सही आंसर है स्ट्रैबो, जो थे एक ग्रीक ज्योग्राफर, तो स्ट्रैबो जो है उनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 24, बर्नहार्ड वेरिनस ने जिन्होंने डायकोटोमी डुअलिज्म भी कहा है, उन्होंने बुक कौन सी लिखी है आपको बताना है। इनमें से कौन सी किताब जो है वो बर्नहार्ड वेरिनस ने लिखी है, और टाइमर आपका शुरू हो चुका है, मन में अज्यूम कर लीजिए, 20 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, बताइए। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बर्नहार्ड वेरिनस, ABCD। ऑल राइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा सी, ज्योग्राफी या जर्नलिस्ट जो है, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट जिसको हम बोले हैं, वो बर्नहार्ड वेरिनस ने लिखी है। मेट्रोलॉजिकल नहीं है ये, मेट्रोलॉजी का है, मेट्रोलॉजी का जो है वो लिखी है एरिस्टोटल ने, और ज्योग्राफी का जो लिखी है वो इराटोस्थीनस ने लिखी है। इराटोस्थीनस वही इंसान है जिन्होंने अर्थ का इक्वेटर के सर्कमफेरेंस को मेजर किया था। तो इसका आंसर है सी, ज्योग्राफी या जर्नलिस्ट, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनमें से कौन सी किताब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने नहीं लिखी है, नॉट अ बुक बोला है मैंने, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डार्विन वही है जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाली किताब लिखी है, ठीक है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन ये वही है जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी दी थी, बताइए क्या होगा। ABCD, चार ऑप्शन, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर है सी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो डार्विन ने नहीं लिखी है। ये वाले सब जानते होंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे डिसेंट ऑफ मैन भी जो है वो भी डार्विन ने ही लिखी है, डिसेंट ऑफ मैन, एक और किताब लिखी है कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये दो किताब डार्विन ने लिखी है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो लिखी है रिचर्ड हार्टसोन ने, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिचर्ड हार्टसोन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी है, तो यही गलत जवाब है और यही सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं, आज हमने डिस्कस कर लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द 2 के बारे में, क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं 2 अभी तक, और यही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये एक सीरीज चला रखी है हमने जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। डेली डोज ऑफ ज्योग्राफी आपको इस तरह से मिलता रहेगा, कुछ वीडियोज के तहत और कुछ MCQs के तहत, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, उससे पहले बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये क्वेश्चन था कैटाबेटिक विंड्स के बारे में, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको बताना था इनमें से क्या सही है। तो पहले देखते हैं कैटाबेटिक विंड्स के लिए क्या क्या सही है। इट इज अ कोल्ड अप स्लोप विंड, ठीक है, इट इज अ डेंस डाउन स्लोप विंड,
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन्वॉल्व, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 और 3, बी इज द राइट आंसर, कोर्ट्स जो है इसमें से जो है 2 और 3 होगा, ठीक है। कैटाबैटिक विंड जो होती है वो डाउन स्लोप विंड होती है, ये डायग्राम देखेंगे, कैटाबैटिक और एनाबैटिक दो तरह की विंड्स होती हैं, और एनाबैटिक विंड जो है और कैटाबैटिक विंड्स के अंदर क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली हिली एरियाज के अंदर ये देखा गया है, ये दोनों की बेसिकली माउंटेनस विंड्स हैं। हिली एरियाज के अंदर क्या होता है, जब सन जो होता है जब अपनी सनरेज देता है, सनरेज देने की वजह से क्योंकि ये हायर एलिवेशन पे है तो इनको इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हाइट पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इंसुलेशन की वजह से क्या होता है, ये जो है माउंटेनस सरफेस जो है वो वार्म हो जाती है, और आप जानते हैं जो भी सरफेस वार्म होगी वहाँ की जो एयर है वो लाइट हो जाएगी, वो लाइट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ करती है। तो दिन के समय में हिली एरियाज में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर सनरेज पड़ रही है और ये सरफेस जो है वो वार्म हो रही है, वार्म होने की वजह से यहाँ से जो विंड्स हैं वो अप स्लोप जाना शुरू कर देती हैं, अप द स्लोप ट्रैवल करना शुरू कर देती है क्योंकि वो अब लाइट हो गई है, ठीक है, अप स्लोप करना शुरू कर देती है। अप स्लोप जाने के बाद जो ऊपर जो विंड है जो जो थोड़ी डेंस है और जो ठंडी है फिर वो नीचे आना शुरू कर देती है, क्योंकि हम जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड का मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर वार्म सर्फेस की वजह से यहाँ पर बनता है ये एक लो प्रेशर एरिया और ऊपर जो है हवा में बनता है एक हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, एनाबैटिक विंड जिसको कहा जाएगा दिन के समय में चलती है और ये अप द स्लोप विंड्स होती है और ये कंपैरेटिवली ड्राई होती है। अब आ गई रात, रात के समय में क्या हुआ, क्योंकि ये हाई एरिया पर है, ठीक है, तो बहुत जल्दी अपनी हीट जो है रिलीज कर देगा क्योंकि लैंड एरिया है, लैंड की क्वालिटी होती है बहुत जल्दी लैंड एब्जॉर्ब करती है हीट और रिलीज भी करती है। तो ये माउंटेनस एरिया रात के अंदर क्या होते हैं, अपनी हीट रिलीज कर देते हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखने को मिलेगा ये एक बन चुका है एक हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ की जो हवा है जो ऊपर की तरफ गई थी अभी हवा जो है वो डेंस होना शुरू हो जाती है, ठंडी होना शुरू हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो डेंसर बन जाती है, और डेंसर चीज़ जो है वो हाइट पर नहीं रहती, वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। इसी वजह से ये जो डाउन स्लोप मूवमेंट देख रहे हैं इसी को कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स, जो विंड जो है वो डाउन स्लोप मूवमेंट करती है, एक तरीके से ड्रेनेज की तरह करती है, एक तरीके से रिवर की तरह करती है। तो रिवर की तरह हवा का मूवमेंट है नीचे की तरफ आता है जिसको हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है। ये हमेशा डाउन द स्लोप होगी और ये डेंसर विंड्स होती है और ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। एनाबैटिक विंड जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। एनाबैटिक विंड्स दिन में चलती है, कैटाबैटिक विंड्स रात में चलती है, ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो मैप बेस्ड है, आप जानते हैं मैप बेस्ड के अंदर आपको आज आइडेंटिफाई करने हैं कोल माइंस, दो स्टेट है छत्तीसगढ़ और आपका है ये वेस्ट बंगाल, इसके अंदर मैंने दो कोल माइन प्लेस किए हैं, आपको बताना है इन कोल माइंस के नाम कौन कौन से हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे इंडिया के तो हम डिस्कस करेंगे। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे इस मैप के अंदर ये छत्तीसगढ़ में कौन सा है और वेस्ट बंगाल में कौन सा है, दो कोल माइंस हैं। जवाब आप सारे कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइव चैट में कौन ही देगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको क्लास PDF मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं और हर तरह के डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए एक इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है और खासकर जो ज्योग्राफी के एस्पिरेंट है हर एग्जाम के लिए वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंटरेक्टिव वे के अंदर स्टडी करते हैं, आपको डेली का टास्क मिलता है, आप इन्वॉल्व होते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं और आप लर्निंग करते हैं, डिस्कशन भी यहाँ पे अंदर होता है। तो बहुत फन वे के अंदर यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, कुछ नई चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन होगी। इसमें अगर आपको आना है तो आप मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पर, पहले आप ये वाला चैनल ज्वाइन करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, टेलीग्राम पर जाकर जब आप सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा और आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। अगर आप हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए बने हुए तो ये इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आप फिलअप करेंगे और यूजीसी नेट के लिए आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिल जाएगी। लाइव हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा एक बैच स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे सोशल हैंडल्स पर ये सारे वीडियो लिंक्स को पेस्ट करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।